नवजात को बोरी में रख कर फेंकने वाली महिला गिरफ्तार। नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने दिया था बच्ची को जन्म, लोग लाज के भय से पिकवाया। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवान, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए भोपाल की विशेष खबर। शहर के ऐशबाग क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के नजदीक एक बोरी में रख कर नवजात बच्ची को छोड़ जाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया जो नवजात को रात के अंधेरे में बोरे में रखकर चुपचाप फेंक कर चली गई थी। पुलिस को CCTV फुटेज से महिला के बारे में सुराग मिला था। यह महिला पहले नर्स का काम करती थी। हाल ही में उसने एक नाबालिग लड़की का प्रसव कराया था जो दुष्कर्म की वजह से गर्भवती हो गई थी। लोक लाज के भय से पीड़िता के स्वजन के कहने पर महिला ने बच्ची को सड़क पर छोड़ा था। 17 साल की किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया था। उसके गर्भवती होने के बाद परिवार ने बदनामी के डर से उसका घर में ही प्रसव कराया, जिसके लिए इस महिला को बुलाया गया था। गौरतलब है कि आरोपित महिला ऐशबाग क्षेत्र में स्थित बाग उमराव दुल्हा में रेलवे ट्रैक के नजदीक नवजात बच्ची को बोरी में रख कर छोड़ गई थी। बुधवार सुबह उस इलाके से गुजर रहे राहगीरों ने जब नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक पीले रंग की बोरी दिखी। जब उस बोरी को खोला गया तो उसमें नवजात बच्ची रोती हुई नजर आई। बच्ची के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, यहाँ तक कि बच्चे की गर्भनाल भी नहीं कटी थी। यह देखकर लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बरामद किया और उसे ले जाकर कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घंटे पहले ही बच्ची का जन्म हुआ था। इसके साथ ही पुलिस ने नवजात बच्ची को रेलवे ट्रैक के पास छोड़कर जाने वाले शख्स की तलाश भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने सरकारी और निजी अस्पतालों में हुए प्रसव रिकॉर्ड मंगवाए और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले। एक CCTV फुटेज में रात के अंधेरे में बोरी में बंद कर मासूम बच्ची को रेलवे ट्रैक के किनारे रखने वाली महिला का हुलिया मिल गया। उसके आधार पर पुलिस आरोपित महिला तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।